और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी गौशाला की और जहाँ पे मेरी कुछ बकरियाँ बांधी हुई हैं। और ये नमस्ते फ्रेंड, मैं धनवीर, आप सभी का इन खूबसूरत पहाड़ों में स्वागत है। और आज हूँ मैं अपने गांव सिगरी विलेज में और मैं ले चलता हूँ आज आपको अपने गौशाला की और जहाँ पर बंधी हुई हैं मेरी बकरियाँ। और ये है मेरी बकरियाँ और ये है मेरा गौशाला जहाँ पर बंधी हुई है मेरी बकरियाँ। और इस साइड में है मेरी गाय, ये मेरी गाय है, ये भी मेरी गाय है और ये दोनों बैल हैं, ये दोनों बैल है, ये बैल है, ये भी बैल है, ये दोनों गाय हैं और ये है बछिया। और आपको एक गाय और दिखाते हैं और ये गाय है हमारी दूध देने वाली, ये गाय है हमारी दूध देने वाली जो कि आराम कर रही है। मैं था आज अपने घर पे और मैं अभी हूँ अपने गौशाले में जहाँ पर कि मेरी बकरियाँ हैं और मेरी गाय और बैल भी हैं। मेरे सामने है मेरा ये पेड़ जिस पे कि लेमन डे लगे हुए हैं बहुत सारे और हमारे जो उत्तराखंड की भाषा है इसमें बोलते हैं लेमन, मियार से मंडल यानी लेमन। मैं लेमन दिखाऊंगा आप ताई और इछन लेमन, ये बहुत ही अच्छे लेमन है, सब्जी इनकी बहुत अच्छी होती है। और मैं हूँ अपने गांव में सिगरी विलेज में और आज गया था मैं घर पे तो, और ये लगे हुए हैं लेमंडे जिनको तो कुछ लोग चचंडे के नाम से भी बोलते हैं। खूब सारी लगी हुई हैं लेमंडे और आज तो मैं तो खाऊंगा, आज खाऊंगा मैं लेमंडे की सब्जी। और मैं ले चलता हूँ आपको हरी मिर्च की, और हरी मिर्च तो आपने बहुत देखी होंगी मगर यहाँ पर बेल वाली हरी मिर्च है, ये देखिए ये है बेल वाली हरी मिर्च, इसकी बेल है और इस पे लगी है ये, अब तो कुछ हरी हैं और कुछ लाल हो चुकी हैं। और ये है बेल वाली मिर्ची जो कि बहुत तेज होती है और इसकी काफ़ी बड़ी बेल है, ये ऊपर तक गई हुई है। और ये है, ये छोटे में ऐसी होती है हरे में और फिर पकने के बाद हो जाती है लाल। तो ये थी मेरे गांव के हरी मिर्ची जो कि कुछ अलग तरीके से है, बेल वाली है और बहुत ही तेज होती है। और इसका इसका टेस्ट की बात करें तो बहुत ही स्वाद होती है, बहुत चिरपुरी होती है। ये था फ्रेंड्स मेरा गांव जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मैं जब भी यहां पर आता हूं तो मुझे बहुत ही सुकून फील होता है। और मैं ले चलता हूं आपको अपनी जो हम सब्जी वाले खेत है मेरे पास वहां पर, मुझे थोड़ा चढ़ना है ऊपर को ये। और ये मेरे सामने है पिंडालू के पत्ते जिनको कि अरबी के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में तो अरबी बोलते हैं मगर हमारे यहाँ बोलते हैं पिंडालू और हमारी हम जो हमारी भाषा है गढ़वाली उसमें बोलते हैं पिंडालू पत्ता। तो इन पत्तों की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, ये बनाते हैं और उसका नाम है फिर गुंडलू, गुंडलू बोलते हैं उसको। और ये है मेरे पास अदरक जो कि अभी 50% तैयार हो रखा, 50% अभी इसको और रहेगा तो ये फुल पक के एकदम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, दाने इसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये है भिंडी, ये दिखाते हैं आपको भिंडी, और आजकल सीजनल सब्जी है तो भिंडियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। और ये है मेरी भिंडियाँ के पौध, इसको हम खेत के किनारों पे लगाते हैं ये भिंडी। और अभी हमने यहाँ पे एक नया गड्ढा बनाया है और इसमें बनेगी हमारी कंपोस्ट खाद। हम क्या करेंगे, गोबर जो भी गाय बछियों का हमारा गोबर होता है उसको लेके हम इसमें डालेंगे, इस गड्ढे को भर देंगे और इसमें छोड़ देंगे हम केंचुए, केंचुए छोड़ देंगे और उसके बाद बनेगी इसकी कंपोस्ट खाद और फिर वो हमारी इस्तेमाल होती है इन्हीं पौधों में। और फिर हमारी जो साग सब्जियां हैं बहुत ही अच्छे से हमें मिल जाती हैं। और ये था मेरा अरबी का खेत, ये पूरा ओ आगे तक पूरा लंबा खेत है ये वहाँ तक, ये है अरबी और ये है अदरक और ये है हमारी भिंडियाँ। और ये था मेरा छोटा सा एक खेत, मेरे पास काफ़ी सारे खेत हैं मगर ये है मेरा छोटा सा खेत क्योंकि गांव में खेती तो होती है। और ये अभी हमारे पास एक बेल है, ये है लौकी की बेल और ये अभी तैयार होने जा रही है, ये है लौकी की बेल और ये अभी तैयार होने जा रही है, इस पेड़ पे है और धीरे धीरे ये तैयार हो जाएगी और फिर हम इसका भी सब्जी का आनंद लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक सब्जी का खेत जिस पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सब्जियाँ उगाई हैं। अब ले चलता हूँ मैं दूसरे खेत पे आपको, आजकल बरसात है तो थोड़ा सा फिसलन भी हो रखी है। मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर की छत के ऊपर, ये है मेरा घर और मैं इसकी छत के ऊपर जा रहा हूँ और आजकल छत पर हो रखी काफ़ी फिसलन
अभी धूप आई तो नहीं है, पर कपड़े सुखने डाल लेते हैं सब पूरे। और ये है मेरा छत, और मेरे छत से सामने दिखाई देता है ये खूबसूरत सा व्यू। ये खूबसूरत व्यू दिखाई देता है मेरी छत से। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये है कद्दू। और इसको क्या करते हैं हम लोग गाँव में कि इसको छत पे ही रहने देते हैं, और क्योंकि इसमें फल होते हैं जो बड़े आते हैं तो लटकते हैं जब, तो बड़े होकर टूट जाते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको छत पे ही रखते हैं और ये छत पे ही बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये था मेरे यहाँ का आइकन सिगरी विलेज, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यह है मेरे गांव की छोटी सी रिवर, जिसमें कि आजकल पानी काफ़ी होता है, और ये जाती है और नीचे सोन नदी की तरफ। और ये है आज यहाँ का मौसम। अब ले चलता हूँ मैं आपको अपने घर की ओर। और ये है ठीक मेरे सामने, ये मेरे सामने है मेरा घर। और घर से जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पर मक्का तो हो रही है तैयार, और ये है हमारा पानी का नल का। और रास्ते में देखिए आप, यहाँ पर लगी हुई है बैंगन। काफ़ी बड़ा घर है तो खेत है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बैंगन लगी हुई हैं। और ये है मेरे पपीता का पेड़, ये है मेरे खीरे का पेड़, इसे खीरे बोलते हैं, ककड़ी। और मैं जा रहा हूँ अपने घर के अंदर। ये है मेरा घर, ये मेरा घर है ये। और मेरे घर के सामने लगा है एक छोटा सा पेड़, जिसको मैं दिखाता हूँ, जिससे मैं करता हूँ बहुत प्यार। और ये है एरोकिरिया का पेड़, ये है एरोकिरिया का पेड़। इसको हो चुके हैं 5 साल। और क्या हुआ था अभी 2 साल पहले ना, इसकी ना यहाँ से टहनी टूट गई थी, यहाँ से तो बच्चे खेल लेते बॉल क्रिकेट वगैरह, और यहाँ से ना ये टूट गया था। तो फिर अब ये हो चुका है इतना बड़ा, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा पेड़ जो है एरोकिरिया था वो 5 साल के बाद कितना बड़ा हो गया। देखिए मेरे से भी कितना ऊंचा हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा घर, और मैं हूँ अभी अपने घर में। और ये है मेरा घर, और आज हूँ मैं अपने घर पर। और आज हल्की सी धूप अभी आई है, और हमने तो गेहूँ डाल दी हैं सूखने। और देखो आप, दिखाते हैं आपको, ये मक्का है, हम धूप आई है तो इसको हम सुखाने डालेंगे और उसके बाद पीसेंगे। और ये है हमारे पास लाल मिर्च, इन पर हम धूप लगाएंगे। और ये है हमारे गेहूँ सूख रहे हैं, और जिनको कि मैं अभी थोड़ी देर में चक्की में पीसूँगा। और ये हमारे गेहूँ जो सूखने जा रहे हैं, और यही हमारी उत्तराखंड की लाइफ है। और आजकल सब्जियाँ हमारे पास हर प्रकार की है, क्योंकि सीजनली सब्जियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। बारिश होती है तो यहाँ पे सीजनली सब्जियाँ खूब होती हैं, जब बारिश नहीं होती तो सब्जियाँ बहुत कम होती हैं यहाँ पर। पर अभी तो हैं हम, मैं फ़िलहाल अपने गांव में, जो कि है मेरा ये खूबसूरत सा गांव सिगरी विलेज। और ये है मेरा प्यारा डॉगी, आजा बेटा, आजा 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 आजा, बहुत ही अच्छा डॉगी है ये। और ये रात को करता है जुगाली बेचारा। पिछली बार पता क्या हुआ, इसको ना बाघ ने नाखून लगा दिए थे। यहाँ पर दिखाऊँ आप, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पूरे निशान ना उसके बाघ के थे। फिर हमने उसको हॉस्पिटल ले गए थे, जिसको अब बिल्कुल आई, मगर ये अब बिल्कुल सही है। तो बहुत ही अच्छा है, जो हमारी हेल्प करता है, बंदरों से, लंगूर से, और रात को जानवर भी आते हैं उनको भगाता है। तो आप भी जरूर रखें घर में डॉगी, आप पहाड़ों में रहते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं। ये था हमारा बोटू, बहुत ही प्यारा डॉगी, उसके दांत भी कितने बड़े हैं। मेरे सामने है ये गौरी, ये गौरी क्या करना है, क्या बना छे बेटा? माटक लड्डू। तो गौरी बना रही है आज मिट्टी के लड्डू, बोल रही है मिट्टी के लड्डू बना रहे हैं। और गिलास में क्या कर रही है? मैं गिलास में केक बना रही हूं। तो मेरे सबको दिखाता हूँ, वहाँ से हंस रहा अपनी बहन को, दीदी को देख के। अरे ऋषभ, क्या हाल है ऋषभ, ठीक है? हाँ जी, वाह वेरी गुड। ये था ऋषभ। और मैं ले चलता हूँ आपको अपनी छोटे से बगीचे की और। ये है मेरे बगीचा, ये है मेरे घर के पास नारंगी का पेड़, मौसमी के पेड़। ये है नारंगी का, और ये है मौसमी का, और ये भी नारंगी के हैं और वो मौसमी का है। ये था हमारा छोटा सा बगीचा। और अब ले चलता हूँ मैं आपको अमरूद के पेड़ के पास, और आज अमरूद खाते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं गाँव में आया हूँ, तो फिर आज अमरूद खाना तो बनता ही है यार। और ये देखो मेरे पास है ये अमरूद का पेड़,
देखो आप, और ये एक दानिश है ना पकी हुई है, देखो ये वाली दानिश पकी हुई है। लक्ष्मी संभल के, ए आराम से नमन जिल। और लक्ष्मी जा रही बड़ी तेजी से अमरूद के दाने के लिए, और लक्ष्मी पहुंच चुकी है पेड़ पर। ये थी लक्ष्मी जो कि पेड़ पर काफी ऊपर चढ़ चुकी है और मेरे लिए तोड़ने वाली है ये अभी अमरूद की दाने, और खुद ही खा रही है, मुझे नहीं दे रही है वहां पे, देखो। और ये केस पे है दो सचिन, आज इसको तोड़ रहे, ये आया अमरूद भाई, एक और है यहाँ, इसी को तोड़ दे, ये आया भाई, देखो कितना अमरूद, कितना बड़ा अमरूद था, कितना पीला सा है। तो गांव में यही है कि हम लोग फ्रेश अमरूद खाते हैं, और गांव का जो जीवन है, लाइफ है, वो ऐसे ही फ्रेश फूड खाते हैं लोग। और भाई मैं तो खाता हूँ अमरूद। अब इसके अंदर देखिए कितना लाल है, बहुत मीठा हो रहा है। अमरूद को छीलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हैं गाँव के, इसलिए कुछ नहीं, सिर्फ धोया और खा लेते हैं। कभी कभी तो हम लोग धो भी नहीं पाते हैं, ऐसे तोड़ा जस्ट खा लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी उत्तराखंड की छोटी सी लाइफ, और ये है मेरा गाँव सिगरी